Abid. Susan. Susan. Shilpa. 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 कौन हो तुम? हे, क्या हुआ? एक बुरा सपना देखा। उठ जाओ और तैयार हो जाओ, हम आज रानी से मिल रहे हैं। ओके, ठीक है ना? एक सपना जो बहुत अजीब था, कभी कभी डरावना हो जाता है, कभी कभी चिंताजनक। लेकिन ये बहुत अलग था। सपने में मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं, मैं खून को सूंघ सकता हूं, शिल्पा की सांस लेने की आवाज भी सुन सकता हूं। शिल्पा! कौन हो तुम? जैसे कि ये मुझे कुछ बता रहा हो। हेलो मिस्टर अमन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम हमारे साथ रानी से मिलने जा रहे हो, यही बात ना? हाँ, मुझे एक बड़ा काम पूरा करना है। एक पावरफुल आदमी वैम्पायर बन गया है, मुझे उसे पुलिस के सामने एक्सपोज करना है, और सूजन ने भी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अगर ये सारा डेटा मेरे चीफ के पास पहुंच जाए तो एक बड़ा केस बनेगा। ठीक है, मैं ये बात समझता हूँ। तो आप लोग अकेले जा सकते हो? जरूर। ओके। ओह, तो आप किसके साथ जाने वाली हैं? टीम के मेंबर के तौर पर मैंने तुम्हें चुना है। तुम तो काफी उतावली दिख रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? वैसे तुम्हें कोई चॉइस नहीं देनी चाहिए। अरे, ओहो, तुम्हारी शिकायत फिल्टर के जरिए बाईपास हो रही है। ओके, प्लीज झगड़ा मत करो। मैं श्रेया, कभी ये जगह देखी है? मुझे पता है, हम यहाँ जा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। रुकिए, क्या हम डिपार्टमेंट नहीं जा रहे?
ये रास्ता सही है, इधर से आइए सर। सर आप सीधे जाइए, वहीं पर है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। कैप्टन, जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। थोड़ा और मिस्टर पंकज। बस 400 और ट्यूब्स हैं। मैं आखिरी जरूरी मीटिंग कर रहा हूं। मैं समझता हूं हमारे प्लान के हिसाब से मेंबर्स मिलने चाहिए और उसके बाद हमारे इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी जल्दी हो सके मैं प्रोसेसिंग में तेजी लाऊंगा। वैसे रानी का क्या चल रहा है सर? मेरे सबसे खास आदमी को मरना पड़ा उसका पीछा करते करते। मेरा यकीन करो, उसके मरने से मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन अभी हमें कुछ बड़े काम निपटाने हैं। काम पूरा हुआ या नहीं? मैं जा रहा हूं। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं, मेरी एक मीटिंग है। ओके सर। हाँ, इसे अब ले जा सकते हो। शिल्पा, यही वो जगह है क्या? इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आपसे मिलने का मौका देने के लिए भी। इस मीटिंग का मकसद तो आप सबको पहले से ही पता होगा, लेकिन मुझे आप सबको ये दोबारा बताना होगा। इन्वेस्टिगेशन चीफ को हमारी बात ठीक से समझाने के लिए आज सीसी कॉरपोरेशन ने एक नई मेडिसिन की खोज की है, जिससे इंसानों की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ना कोई बीमारी और ना ही कोई वायरस, और तो और साथ में लंबी उम्र भी होगी, 6 गुना ज्यादा। दरअसल बात यह है कि मिस्टर शर्मा ने इसे पहले ही अप्रूव किया है।
ये सच है, मैंने कंफर्म किया। आप सबको तो याद ही होगा कि 2 साल पहले मैं बुरी तरह बीमार था, मैं कोमा में था। कैंसर और अल्जाइमर से मैं बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन अब आप मुझे देखो, मैं आपके सामने हूं, मैं जिंदा हूं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनराज सर, आपने मेरा उपचार किया, मुझे आविष्कार दिया, इसलिए मैं जिंदा हूं। ये सब मामला कुछ और ही है। क्यों? इस बारे में जरा सोच कर देखो, एक नेशनल बैंक का आदमी भी उसका सम्मान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक को एक भगवान बुलाना, मुझे लगता है इसका इसमें जरूर कोई फायदा है। बस सुनते रहो। यहां आप में से कुछ ने इस बात को मान लिया है कि वो पहले ग्रुप में रहेंगे और मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि एक शेयर होल्डर। तो फिर आपकी वो मेडिसिन कहां है? अगर मैं इसे एक्सचेंज करूं अपनी सभी रूपटॉप्स का इस्तेमाल करने की परमिशन के साथ, तो आप क्या कहोगे? जरा आराम से मिस्टर विपुल, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अगर आप इसे इंजेक्ट करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि जो मैं और मिस्टर शर्मा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या करो? तुम्हें पता नहीं क्या है? छोड़ो मुझे। तुमने इनकी बात कैसे मान ली? हाँ, ये क्या करो तुम? ये क्या? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इन्वेस्टिगेशन चीफ भी अब हमारे साथ में है, मैं बहुत खुश हूं, अब मैं सेफ फील कर रहा हूं।
सुजन, तुम मेरे साथ चलो। जी सर, लेकिन आप जरा दरवाजा तो खोलिए। मैं बस कहने ही वाला था। तुम थोड़ी भारी हो, अगली बार एक वैन लेके आना। हाँ तो मैं क्या करूं? हमारा इंतजार करिए, अभी आते हैं। ठीक है, चलो। वाकई बहुत छोटी है तो क्या। कौन सा रूम है सर? वही जो बड़ी शख्सियतों को सूट करता है। तुम्हें क्या लगता है कौन सा होगा? ए, तुम एक अच्छी स्टूडेंट थी क्या? चीफ कबीर, सुजन तुम आ गए। चीफ, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं तुम्हें जरूर पसंद आऊंगा। बस अब तुम सिर्फ धनराज के मेंबर बन जाओ। ये तो शर्मा है, द पॉलिटिशियन वैम्पायर। लगता है वो पॉलिटिशियन ही सिर्फ वैम्पायर नहीं है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। मुझे लगता है ये फ्रीकिंग डिजास्टर है। क्या करें सर, सिचुएशन खराब है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई कैप्टन कबीर। ए, आगे मत पढ़ो, रुको। ए! अरे सर, आपने सस्पेक्ट को क्यों शूट किया? उसने कुछ नहीं किया। तो उसके करने का इंतजार करूं? तुम वैम्पायर्स को सीधा दिल में गोली मारनी चाहिए। सुजन, मुझे कवर करो, मैं चीफ को बचाता हूं। ठीक है सर। Thank you.
चीफ, चलिए। चीफ, जल्दी। अच्छा तो क्या तुम्हारी बहन हर बार इतनी देर से ही आती है? मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। बट आई एम नॉट फनी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो आएगी? पता नहीं। और अगर वो नहीं आई तो? शिल्पा, क्या वो तुम्हारी बहन है? रानी, मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मेरा पीछा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगी। मैं बता रही हूं तुम्हें। क्यों कर रही हो? अगर तुम रुकी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अमन, जरूरत नहीं,
मैंने तुम्हें बोला था ना, यहां मत आना। अगर तुमसे मिलकर मुझे मौत मिलती है तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है रानी। पहले मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, जैसे मेरे सर पर मौत का साया हो, और सब कुछ उस धनराज की वजह से हुआ। सुनो अजंक्य, अभी से हम इस लड़की की बॉडी पे टेस्ट करेंगे। ठीक है। वहीं खड़े रहो। तुम सच में बहुत ही दिलचस्प हो। नीडल्स लाओ। हिलो मत। हम दोनों को मिले कितने साल हो गए? बहुत टाइम। दिखाओ जरा। सर, रानी में हमने IVF बेबी इम्प्लांट कर दिया है, वो अब इंसान में बदल गई है। पिछले 2 महीने से ये एक वैम्पायर थी ना, तो अभी इंसान कैसे बन गई? इसके जिन ने हर प्रोसेस में हमारे खून को रिजेक्ट किया है। बड़ी अजीब बात है। आज रात तुम इसे बाहर लाना। हाँ। डेविड, दरवाजा बंद कर दो।
डेविड, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शिल्पा दीदी क्या कहेंगी? मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मुझे बताओ, लड़की है या लड़का? एक लड़की। ये उसे दे देना और उसका नाम रोशनी रखना। I'm sorry, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ती। यकीन नहीं होता कि डेविड उसके साथ ऐसा कर सकता है। डेविड ने धनराज के साथ एक एग्रीमेंट किया था। कैसा अग्रीमेंट? उस दिन तुम्हें बचाने के लिए डेविड ने धनराज का गुलाम बनना स्वीकार किया। आज तुम्हारा बर्थडे है। डेविड, मैंने सोचा था उससे भी खराब हो। शूट क्यों किया? यह करना जरूरी है, अगर यह अटैक करेगी तो। घबराने की बात नहीं है, यह मरेगी नहीं। साइन कर दिए हैं। तुमने की? मुझे हाथ मत लगाओ।
क्या तुम ठीक हो? जरा इसे चेक करो। मुझे एक फोटो लेनी है। कृष्णा, मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ। पंकज, मैंने सोचा है मेरा और ज्यादा खून इकट्ठा कर लो। हाँ, मुझे एक नीडल दो। भागी कैसे? उसने मेरी मदद की, जाहिर है उन्होंने मेरा पीछा किया, और उन्हें पता होगा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुमसे मिलने से बचने का कारण है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अब हम मिल गए ना, मैं दोबारा तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो ये कहानी है। वैसे इसके अलावा तुमसे मिलके अच्छा लगा रानी। मुझे भी। देखो, हम लोग इस फेस टू के बारे में जानते हैं, लेकिन ये फेस टू आखिर है क्या? नॉर्मली वैम्पायर्स काटते हैं किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, लेकिन धनराज इससे भी ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि इंसान उसका खून चखे और गुलाम बन जाए। अच्छा, तो अभी उसका ये प्लान कितना आगे पहुंचा? मुझे पता नहीं। जब मैं वहां से निकली, मैंने देखा वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो अपने उस प्रोजेक्ट को ब्लड मिस बुलाता है, खून को धुंध में बदल देता है। ओह, क्या आविष्कार है! हम मर भी सकते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो धुंध किसी पर गिरेगी तो उसका कोई इलाज नहीं है? इसी वजह से धनराज मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था, तब मेरे खून की जरूरत नहीं थी,
मेरा खून वैम्पायर को वापस एक इंसान में बदल सकता है, जैसा आलिया के साथ हुआ है ना? हाँ। अब वो कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो अब नहीं रही, धनराज के किलर ने उसे मार डाला। जो कोई मुझसे जुड़ा उसको मार दिया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, धनराज की गलती है। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, मतलब ये ब्लड मिस प्रोजेक्ट, तो आज जो हमने देखा ये उससे जुड़ा होगा। मुझे लगता है ये धनराज बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। मैंने और सूजन ने उन वैम्पायर्स का सामना किया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रानी मिल गई है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। लेकिन अगर रानी के मिलने की वजह से किसी की मौत होती है या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाते हैं तो वो गलत होगा, और धनराज ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हमारे मकसद अलग अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है। मैं इसके लिए तैयार हूं। तो फिर सबसे पहले हमें उसका प्लान जानना होगा। पता नहीं ये यूजफुल होगा कि नहीं। लेकिन हमारे चीफ तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसे कुछ इस तरह समझें कि धनराज इस शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। शिकवा है ना शिकवा।